सो हेलो बच्चों, एक बार फिर से सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं विपिन कुमार आपके बीच फिर हाजिर हो गया हूँ ऑफ एक्सरसाइज 9.1 के रिमेनिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है, तो सबसे पहले हम डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। डायग्राम किस तरह से बनेगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो यहाँ पे एक हम बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं जिसका हाइट कितना मेंशन किया है, 7 मीटर इसका हाइट दिया हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ द केबल टावर, तो इसके टॉप से मान लो यहाँ पे कोई एक केबल टावर है, तो इसके टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ये एंगल बता रहा है हमें, ये एंगल कितना है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मीन्स यहीं से इस टावर के जो फुट हैं उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कह रहा है, ये 45 डिग्री, मीन्स ये वाला एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, मान लो हाइट कितना है टावर का, एच मान लेते हैं हम, ये हाइट निकालना है। तो ग्राउंड लेवल पे आ गया ये, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। सबसे पहले हम नाम दे लेते हैं इन साइड्स को, ए बी सी, यहाँ पे दे लो डी और यहाँ पे ई। यहाँ से ए और सी पैरेलल है, तो ये वाला लेंथ कैसा होगा, ये आपस में दोनों ही लेंथ कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो ये भी कितना आएगा बी से लेके ई तक भी आपके पास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये टोटल बी से लेके डी तक हमने कितना माना है, एच माना है, तो रिमेनिंग ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा एच माइनस 7। अगर इस लेंथ की बात करें हम डी से लेके ई की, तो एच माइनस 7 मीटर। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना सोल्यूशन। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है, लेट सॉरी ये तो गिवन ही है, तो हम कर ले हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग की बात करें हम, तो ए से लेके बी तक ये साइड कितना है 7 मीटर है, और हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर, तो इसे लेट कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर बी से लेके कहाँ तक है, डी तक, बी डी विच इज इक्वल टू, हमने ये मान लिया एच मीटर के बराबर है, और फिगर से आप देखो तो ए सी का लेंथ किसके बराबर है, ए सी इक्वल टू बी ई बोल सकते हैं हम, तो विच इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 7 मीटर है, और सेम उसी तरह से ए बी और सी ई भी आपस में पैरल हैं, तो ए ई सॉरी ए बी इक्वल टू सी ई, ये भी इक्वल ही होगा। अब हमें हाइट निकालना है फ्रॉम ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात करें, सबसे पहले हम मींस ये हाइट निकालना है, तो इसके लिए ये वाला ट्रायंगल ले सकते हैं, और देन यहाँ से नीचे देखो तो ए बी सी एक ट्रायंगल ये बन रहा है, तो हम ले रहे हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी के दोनों ये ट्रायंगल के लिए ए बी वाला लेंथ जो रहेगा सेम रहेगा, तो ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी विच इज इक्वल टू, ए बी आ गया आपके पास बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना था बेटा कॉट, और नेक्स्ट हम बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी कॉट, सॉरी यहाँ पे हमने एंगल नहीं लिखा, एंगल कितना है 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, और विच इज़ फर्दर इक्वल टू ए सी कितना है हमारे पास, ए सी लेके अगर सी की लेंथ देखो तो ए सी है 7, तो कितना आ गया बेटा 7, और कॉट 45 पे वैल्यू कितना है 1, तो ए से लेके बी तक का लेंथ आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, अब कौन सा लेते हैं ट्रायंगल, सी ई डी,
सी ई डी, अगर यहाँ से बात करें तो सी ई अपॉन ई डी विच इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज अगेन हम बोल सकते हैं कितना देखो कॉट थीटा, और थीटा इस केस में कितना है 60 डिग्री, इस ट्रायंगल में थीटा कितना है 60 डिग्री, तो सी ई विच इज इक्वल टू ई डी कॉट 60 डिग्री, और ई से लेकर डी तक का आप लेंथ देखो तो टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट हमने एच माना है और यहाँ से यहाँ तक कितने 7 है, तो ये हाइट कितना निकाला था हमने एच माइनस 7, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच माइनस 7, और कॉट 60 पे वैल्यू रहता है 1/√3, और यहाँ से हमने पहले लिख दिया कि सी ई किसके इक्वल है ए वी के, तो ए वी का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू ए बी, और ए बी कितना है हमारे पास 7, विच इज इक्वल टू एच माइनस 7/√3। ओके यहाँ पे अगर 1 दे दो तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना जाएगा 7√3 विच इज इक्वल टू एच माइनस 7, और 7 इधर चला जाएगा तो हम सीधा करके लिखें से तो हो जाएगा एच इज इक्वल टू 7√3 + 7, 7 दोनों में कॉमन है तो 7√3 + 1, और √3 की वैल्यू कितना होता है 1.732 + 1, जब ऐड करोगे तो हमारे पास कितना जाएगा 7 × 2.732, नेक्स्ट जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 420 देन 91, और 3 अंक के बाद डेसिमल ले तो 1, 2, 3 समथिंग, इतना कितना गया हमारे पास आंसर 19.02 मीटर। तो यही हमें बताना था, सो रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर कितना गया हमारे पास 19.02 मीटर हमारे पास रिक्वायर्ड हाइट आ गया। सो आई होप सबको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस इस एक्सरसाइज के डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो गो थ्रू दैट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इज एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये बताना है कि जो हाइट है टावर का वो कितना है 6 मीटर है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। सो यहाँ पे क्या लिखा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर मीन्स एक टावर आपके पास और इसका हाइट हमें कितना बताना है 6 मीटर बताना है। तो इसका हाइट हम सपोज कर लेंगे कि इसका हाइट कितना है बेटा, हमारे पास एच मीटर है, और ये फर्दर ये लिखा है कि फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and 9 मीटर फ्रॉम द बेस, बोलता है कि इसके बेस से 4 मीटर पे और देन 9 मीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है और वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप के साथ यहाँ से और एक यहाँ से टॉप ऑफ अ टावर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में इस कंप्लीमेंट्री मीन्स ये जो एंगल है ये कैसे होंगे आपस में कंप्लीमेंट्री। तो आपको पता ही है कि एंगल कब कंप्लीमेंट्री होते हैं, जब उनका सम कितना बेटा 90। तो सपोज कर लो ये एंगल आपके पास थीटा हो तो ये 90 से कम ही होगा क्योंकि कंप्लीमेंट्री के लिए कितना था सम ऑफ टू एंगल कितना होना चाहिए 90। तो ये मान लो 90 - थीटा आ गया, अगर ये थीटा हुआ तो 90 - थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये बता रहा है 4 मीटर है, और देन फर्दर सेकेंड पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर बात करें हम तो ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास 9 मीटर ये डिस्टेंस आ गया। सो हमें ये बताना है कि इसका हाइट जो है कितना है 6 मीटर है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं,
टू प्रूव हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 6 मीटर, ये हमें प्रूव करना है। तो जो हमने मान लिया है कंस्ट्रक्शन किया ट्रायंगल का, उसमें से जो माना है उसे लिख लेते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर, तो हमने हाइट कितना माना है, अच्छा पॉइंट दे दिया हमने ए बी, यहाँ पे दे लेते हैं सी और इस पॉइंट को देते हैं डी। हाइट ऑफ टावर ए सी इक्वल टू एच मीटर हमने मान लिया। सो डी से लेके बी तक कितना हमारे पास 4 मीटर है, और ए से लेके बी की बात करें तो ये कितना हमारे पास 9 मीटर है। क्लियरली मेंशन है कि सम ऑफ ये जो एंगल बन रहे कैसे कंप्लीमेंट्री है, इट मीन्स कि सम ऑफ एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ये हमारे पास बन गया कुछ कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल का। सो फाइंड करते हैं ये हाइट निकालने, तो दोनों केस में हम इसी हाइट को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो फर्स्ट हम ट्रायंगल ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल डी बी सी, हमने ट्रायंगल ले लिया डी बी सी, डी बी सी में हम ले लेते हैं बी सी, बी सी अपॉन डी बी, बी सी अपॉन डी बी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज टेन थीटा, और थीटा की जगह पे यहाँ पे थीटा ही है, तो बी सी हमारे पास कितना बेटा एच अपॉन डी वी, डी से लेके बी तक कितना है, डी वी की बात करें 4 मीटर, तो यहाँ से कितना जाएगा 4, विच इज इक्वल टू 10 थीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एच इज इक्वल टू 4 tan थीटा हमारे पास आ जाएगा। सो नंबर दे देते 1। अब सेम उसी तरह से फ्रॉम ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, ए बी सी ले लेते हैं, इसमें फिर से सेम वही साइड निकाल लेते हैं, बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी अगेन हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ऑन बेस इज 10 थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर 90 माइनस थीटा। सो आपको तो पता ही है कि 90 पे एंगल चेंज कर जाते हैं, सो 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बी सी, बी सी बी सी अगेन अपॉन ए बी इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास कॉट थीटा, और बी सी की हम बात करें तो बी सी कितना है हमारे पास एच है, और अपॉन ए बी, और ए बी हम देखें तो ए से लेके बी तक 9 मीटर अपॉन 9, विच इज इक्वल टू कितना जाएगा कॉट थीटा। देन फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच इज इक्वल टू 9 cot थीटा। नंबर 2 कर देते हैं इसे। सो हमें h फाइंड आउट करना है, तो सिंपली h कैलकुलेट करने के लिए 1 और 2 इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 and 2 को मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट और राइट साइड में राइट का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दैट इज एच स्क्वेयर, और राइट में कितना है 4 और 10 थीटा 9 cot थीटा, तो 4 into 9 कितना हो जाएगा बेटा 36, और साथ में कितना आ जाएगा 10 थीटा, और इधर कितना जाएगा कॉट थीटा, देन 36 टेन थीटा वैसे रहने दिया, कॉट थीटा को टेंजेंट थीटा में बदल सकते हैं, तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है 1 upon 10 थीटा, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हमारे पास 36, और यहाँ से हम एच निकालें तो एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ जाएगा। सो एच का वैल्यू हमारे पास आ गया प्लस माइनस 6, बट हाइट मीन्स एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव नहीं होगा, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एच कितना होगा यहाँ पे 6, और यही हमें प्रूव करना था कि हाइट जो है हमारे पास अगर दो एंगल जो हैं वो कंप्लीमेंट्री हैं तो हाइट कितना हो जाए 6 मीटर। सो हमने प्रूव कर दिया कि हाइट कितना है 6 मीटर। सो आई होप दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। नेक्स्ट हम सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।